प्रिय बच्चे, मैं आपके गणित का भाग आठ अर्थात आठवां दिन आपको गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने बीजगणित का सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका है, लघु त्रिये भी बतला चुके, दीर्घ त्रिये में चले आए हैं। कल जो है ना, इससे पहले भाग सात में आपको दो अंकों वाले पढ़ाए थे, भाग छः में आपको जो है ग्राफ पढ़ाए थे, अब भाग आठ में हर और अंश यानी भिन्न वाला हिसाब पढ़ा रहे हैं। भिन्न की तरफ जो भी हम आज पढ़ा दे, इसके बाद आप प्रिय बच्चे हिसाब कूचन बैंक निकालेंगे, भारतीय भवन बीटीसी जो भी किताबें आप रखे हैं उसको निकालेंगे, और जितना भिन्न वाला हिसाब है सबको बनाएंगे, तब आप सीख पाएंगे। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि चैनल आपका चलता रहे। अभी गणित, विज्ञान और संस्कृत आपके सेवा में है। नौम क्लास के बच्चे को भी कह देंगे, उनका भी संस्कृत और गणित चल रहा है, अपना देखें। तो देखिए प्रिय बच्चे, जब भी आपको देख लीजिए कि भीन वाला कथा कहानी है, भीन वाला, तो इसके लिए हमेशा मानेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, अज्ञात भीन बराबर x बटा y। ये तीन चीजें हमेशा मानना पड़ेगा। जैसे मैंने भाग सात में बतलाया था कि दो अंकों वाली में चार चीज मानना पड़ता है, इकाई अंक, दहाई अंक, मूल संख्या और परिवर्तित यानी उल्टी संख्या। ठीक उसी तरह से आज इस भिन्न वाले हिसाब में तीन चीज आपको अवश्य मानना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, दुनिया के किसी भिन्न अंश वाला हिसाब में आपको तीन चीज पहले मानना होगा, अंश माना x, हर y, अज्ञात भिन्न x बटा y। अब इसके बाद में लिखेंगे प्रथम शर्त से, अब पढ़ेंगे हिसाब। इतना के लिए हिसाब पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रिय बच्चे। देखिए, यदि अंश में यानी x बटा y उतार लेंगे, और आपको मालूम है कि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, अंश x है, हर y है, तो x बटा y है, तो कराए अंश में एक जोड़ दे तो इसमें x जोड़ दे, तथा हर में एक घटा दे तो एक घटा दे, तो भिन्न एक हो जाता है, अर्थात इसके बराबर एक हो जाता है। प्रिय बच्चे, अब इसको तिरछा गुना करने के लिए इसके नीचे एक मानेंगे, तिरछा गुना करेंगे, वन से x में गुना करेंगे x, वन से वन में गुना करेंगे वन, अब ऐसे गुना होगा जो y से वन में y, वन से वन में वन, माइनस है तो माइनस। प्रिय बच्चे, अगर बराबर के उधर प्लस है तो इधर y आएगा माइनस में, और इधर प्लस है वन तो उधर जाएगा माइनस में। प्रिय बच्चे, x माइनस वाई बराबर एक, एक दू, मेरा समीकरण एक हो गया। ठीक इसी तरह से प्रिय बच्चे अब लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में फिर हम उतार देंगे x प्लस वाई। अब आगे देखेंगे, यहां पूर्ण विराम के बाद दूसरा शर्त हो जाता है, पूर्ण विराम तक पहला शर्त हो गया। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो हर हमारा नीचा है, ऊपर कदापि नहीं जोड़ घटाव करेंगे, हर कहेगा तो हर में जोड़ेंगे, हर में घटाएंगे, हर में भागा कहेगा तो भागा देंगे, गुना कहेगा तो गुना करेंगे, जैसे पूछन हमें नचाए उस तरह से नाचना होगा। तो सिर्फ हर में एक जोड़ना है, भिन्न में जो है इसका एक वटा दो हो जाता है, यहां कथा कहानी अंश का नहीं है तो अंश को नहीं छुएंगे। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, एक से टू में टू एक्स, वन से इसमें आएगा वन वाई इकाई वन, और वन इकाई वन, टू एक्स प्लस है तो माइनस बराबर वन। प्रिय बच्चे समीकरण दो, अब समीकरण दो आ गया, आप इसको विलोपन विधि से बनाइए, बरज गुणन विधि से बनाइए, या आप जो है ना प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, जिस विधि से बनाते हैं आपका आंसर सटीक आएगा। प्रिय बच्चे, आपको कल मैं बतलाया था
कि यहां पर 2 है तो यहां 2 से गुना कर दो, यहां पर 2 में, यहां पर 1 छुपा हुआ है तो 1 से यहां गुना कर दीजिए। और यही हमेशा हम बतलाए थे कि आगे देखना नहीं है, निचला अंश से ऊपर गुना कीजिए, ऊपर का अंश से नीचा, अघटाव दे दीजिए। 1 × 2 हो गया प्रिय बच्चे, और 2 × 1 हो गया। अब गुना कीजिए 1 में 2 से, 2 × 1 − 2 × 2 और 2 × 2 = 4। अब 1 से गुना करना है, 2x − y = 1, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 2 में से 1 y घटेगा तो बेसी चिन्ह है माइनस का तो माइनस y रहेगा, आई माइनस माइनस जुटेगा, 1 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 5 रुपया कर्जा लिखाएगा, कर्जा का चिन्ह दिखाएगा, ये जो है ना हट जाएगा, y = 5 आया। अब 1 से प्रिय बच्चे x − y = −2 लिखेंगे, x का x रहेगा, y के मान 5 रहेगा, = 2 हो जाएगा। x = 2y − 2 + 5, x = 7। अतः बहुत से विद्यार्थी है यहीं पर चट सिंह आंसर लिख देता है, लेकिन यह गलत है। भिन्न का आंसर भिन्न में होगा, संख्या का आंसर संख्या में होगा, तो अज्ञात भिन्न हमको लिखना है। यहां लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या माने हो बच्चे, तो x by y, तो x के स्थान पर हमारा आया आंसर में 7। और इसका मान आया 5। प्रिय बच्चे फिर ऊपर से देखें, जब ये अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। तो x इकाई x, y इकाई y, y इकाई y, y इकाई 1 इकाई 1, ये माइनस है तो प्लस, 1 × 2 हो जाएगा। दूसरा शब्द से देखिए, अंश में 1 हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। तो हर में 1 जोड़ दे तो x और y हो गया, y में 1 तो 2 × 2, y इकाई y, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो 1 हो गया। प्रिय बच्चे अब 2 से गुना करेंगे, 2 × 2x, 2 × 2, 2 × 4, ये हो गया 2x प्लस, ये माइनस है तो माइनस वाई, आई 1, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा, या 2, 3 और में से 2 में से 1 घटेगा, 1 y हो जाएगा, 4 × 1 = 5 हो जाएगा, वाई का मान 5 आया। और एक्स माइनस वाई से, यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर −2, तो एक्स का मान हो गया निकालना है, y के जगह पर −2 हो गया। प्रिय बच्चे ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है तो माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। प्रिय बच्चे अब 5 में से 2 घटेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमारा भिन्न जो है ना x का मान 3/5 हो जाएगा। यहाँ देखे बच्चे, केवल माइनस गड़बड़ होने से आपका आंसर गलत हो रहा था। तो प्रिय बच्चे याद रखेंगे, जो है हिसाब में प्लस माइनस का झंझट सबसे बड़ी झंझट होती है। अगर प्लस माइनस आपका गड़बड़ होता है तो आपका आंसर कदापि नहीं आएगा और वह गलत हो जाएगा। इस जैसे यहां पर माइनस हमने छोड़ा था तो आपका आंसर जो है ना गलत आ रहा था, और फिर आपको दिखाया यहां माइनस लाए तो 3 आ गया। अतः इस तरह से माइनस और प्लस पर हमेशा अपना काबू रखेंगे, माइनस प्लस पर हमेशा ध्यान देंगे। इस तरह से हमारा भिन्न हुआ x/y = 3/5, यही आंसर हो गया। प्रिय बच्चे इसी तरह से आप दूसरे हिसाब को बनाएंगे, तीसरे हिसाब को बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक में सभी साल में जितना भी भिन्न वाला हो आज ही बना लीजिए। जो भी आप किताब रखे हैं, जो भी जो है गेस रखे हैं, मॉडल पेपर रखे हैं, जो भी रखे हैं,
सब में उलट कर देखिए, अगर भीड़ वाला हिसाब है तो इस तरह से बनाया कीजिए। हमें आशा है कि आपको जो है ना समझ में भी आया होगा और पूरा हिसाब बन भी जाएगा। इस तरह से आप मेहनत कीजिए, तभी हमारी मेहनत का भी फल आपको अच्छा मिलेगा। जय हिंद।